हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैनी टू प्रयागराज अ टेक्निकल स्कूल मास्टर्स यूट्यूब चैनल में मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम लोग घर बैठे पढ़े सीखे और पास करें, और जैसा कि आप लोग जानते हो ओ लेवल डिमांड से बहुत ही ज़्यादा है। बहुत से बच्चे इसको बहुत टफ समझते हैं, लेकिन बहुत सरल कोर्स है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह हिसाब से पढ़ेंगे तो आसानी से इसको पास कर सकते हैं। और हम लोगों ने इसी को स्टार्ट किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप पढ़ तो सकते हैं वीडियो के माध्यम से, सीख भी सकते हैं। ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ऐसा मत ध्यान से निकाल दीजिए कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिकल कैसे करना वही मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था, इसमें चार पेपर होते हैं। तो जो पहला पेपर है वो आपका है M1 R4 कोड है, उस पेपर का नाम है IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। ठीक है, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। और इसमें मैंने एक शॉर्ट सिलेबस IT टूल्स और बिजनेस सिस्टम का शॉर्ट सिलेबस नोट डाउन किया है, जिसमें पहला जो मॉड्यूल है कंप्यूटर एप्रिसिएशन। इसमें आप क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर क्या जानता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर किन बेसिक चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, बाइनरी, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर की बात होगी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस चीज़ से उसे मिलकर बनना है। तो इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड माउस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम, CD/DVD, एजुकेशन में क्या इसका महत्व है, यानी ये सारी चीज़ हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। फिर अगले में क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने के लिए कम से कम एक OS जोड़ना चाहिए। OS क्या है, एज अ गवर्नमेंट काम करता है हमारे सिस्टम, यानी पूरे कंप्यूटर को नियंत्रण रखता है और हमारे और मशीन के बीच में इंटरफेस कराता है। कैसे कराता है, क्यों कराता है, कितने तरह के होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, यानी MS Word, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुना होगा, उसमें MS Word एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग लेटर राइटिंग, डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, ये सारे काम करते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, जिसको पढ़ेंगे भी साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे। यानी यहाँ तक जो है हमें दो या तीन पार्ट तक हमें अधिकतर क्या करना है, थ्योरी कवर करनी है। यानी हमें थ्योरी मतलब कि हमें लेक्चर्स ज़्यादा सुनने हैं। इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखेंगे, वो करेंगे, आपको बताएंगे भी कैसे करना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, MS Word के बारे में पूरा पढ़ेंगे, हर एक टैब, हर एक फंक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगला क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे। और जैसे मैं बता दूं कि MS इस समय जो ऑफिस का 2016 लेटेस्ट चल रहा है, हम लोग जो पढ़ेंगे 2007 पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में 2007 वाला वर्जन है, तो 2007 को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे। तो स्प्रेडशीट पैकेज में हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेल क्या है, एक्सेल पे कैसे वर्क करते हैं, एक्सेल की क्या फंक्शनैलिटीज है, ये सारे की बात हम लोग इस पर करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। फिर प्रेजेंटेशन पैकेज, इसका मतलब MS PowerPoint, माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint के बारे में जो हमें पूरा डीप पढ़ना है वो इसमें पढ़ेंगे। फिर डेटा बेस ऑपरेशन, डेटा को कंप्यूटर में कैसे रखना है। अभी तो अगर कम डेटा है तो आसानी से रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लार्ज अमाउंट में डेटा, उसको रखने के लिए हमें उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, DBMS। तो DBMS के पार्ट हम लोग डेटाबेस ऑपरेशन पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या है, IT एंड सोसाइटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें हम लोग IT एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, IT का ई कॉमर्स में क्या रोल है, रेलवे रिजर्वेशन में क्या रोल है, ठीक है, एजुकेशन में क्या रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग IT एंड सोसाइटी में पढ़ेंगे। ठीक, तो आप ये पहले देख रहे होंगे, जो पहला पेपर है ये उनके लिए है जो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए वो लेवल मतलब जीरो लेवल, यानी आपको जो पहले पर पढ़ना है वो जीरो से स्टार्ट करनी है। कंप्यूटर कुछ नहीं जानते तब भी आप वो लेवल आसानी से पास कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे CCC भी आ रहा है, अगर जो वो लेवल पढ़ लिया और CCC आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी जितनी वैकेंसी आ रही है वो लेवल डिमांड किया गया है आपके, अभी जो लोअर PCS IUP SSC उसमें भी कहा गया है, अगर इसमें एक मार्केटिंग ऑफिसर, सप्लाई चेन ऑफिसर की वैकेंसी, उसमें कहा गया है कि आप भर्ती तो हो जाते हैं लेकिन अस्थायी रूप से भर्ती है आपको, अगर मान ली भर्ती हो गई, आप क्वालिफाई कर ले तो आप CCC के लिए आपको 2 साल का वक्त दिया है, CCC पास करना है, मतलब आपको कंप्यूटर आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस समय CCC बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, और
भर्ती के हिसाब से तो है ये बात, प्लस आपके हिसाब से, मतलब आपके लिए भी, अगर आप कहीं भी जाते कंप्यूटर नहीं जानते तो आप इस समय शर्मिंदगी से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे या हमारे चैनल पे आप आसानी से ऑनलाइन आप घर बैठे पास पढ़ सकते हैं, पास कर सकते हैं, सीख सकते हैं और किसी भी टाइम सीख सकते हैं। ठीक है, क्लास होगी तो आपको क्लास 5 से 6 तो 5 से जाना होगा। यहाँ पे क्या है, आप चाहे जब अपना मोबाइल, जब आप खाली हैं मोबाइल ऑन, मोबाइल खोला, binarytube.in पे गए और अपने लेक्चर्स पा लिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो लेक्चर 1 में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एडविन बिजनेस सिस्टम, पहला जो है कंप्यूटर एप्रिसिएशन, इस पर हम लोग जानेंगे कंप्यूटर है क्या। तो पहला वाला हम लोग सिलेबस लेकर, पहला मॉड्यूल लेकर चलते हैं, कंप्यूटर एप्रिसिएशन। तो हम लोग जीरो स्टार्ट करते हैं, जिसको कुछ नहीं आता वहां स्टार्ट करते हैं। पहले बात कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर हिंदी में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। अब कंप्यूटर जो बना तो उसका जो पर्पस था वो कैलकुलेशन से संबंधित है, यानी क्या हो, कंप्यूटर को जब बनाया गया शुरू में तो एज अ कैलकुलेटर के लिए बनाया गया, यानी कंप्यूटर मतलब गणना करने की मशीन। कंप्यूटर क्या है, गणना करने मशीन है। पहले जो इसको सोच के बनाया गया था कि दो नंबर आपस में ऑटोमेटिक जुड़ जाए। ठीक है, फिर उसमें विकास होता गया। आज कंप्यूटर क्या है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, बिना कंप्यूटर हम लोग कार्य नहीं कर सकते, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक, चलो, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। ठीक, और कंप्यूटर किस सबसे बना है, कंप्यूट सबसे बना है, COMPUT, कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक, पहले बताया कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटेशन करना, गणना करना। ठीक, तो यानी गणना करने के हिसाब से इसका नाम क्या है, कंप्यूटर रखा गया है। कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना है। अब बात यह आती है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर टोटल 3 प्रकार के होते हैं, तो लिख लेना, कंप्यूटर टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं, यानी उसमें जो भी चीज हम देंगे वो एनालॉग के फॉर्म में देंगे। समझने के लिए एनालॉग सिग्नल कैसा होता है तो देखना, यह ऐसा होता है, ये कौन सिग्नल है, एनालॉग, इसके कोई स्टेज नहीं, ये कैसा सिग्नल है, एनालॉग। ठीक, और ये कैसा सिग्नल है, ये कैसा सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल है। चलो ठीक, अब समझना, एनालॉग सिग्नल में तुम देख रहे होगे, एनालॉग सिग्नल की कोई भी स्टेज फिक्स नहीं है, अप डाउन मीडियम होता जा रहा है। ठीक, तो स्टेज फिक्स ना होने के कारण इसका जो डेटा, इसको जो प्रोसेस करने में क्या होता है, कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक, पहली बात, एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार चलता रहता है, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। सोचो कि स्टोर करके रख लें, बाद में इसका यूज करें, तो आप ये काम नहीं कर सकते। किसमें, एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल को प्रोसेसिंग मशीन तक पहुंचाने के लिए हार्ड वायर की जरूरत पड़ती है, मतलब कि आपको कोई हार्ड वायर की जरूरत पड़ेगी तब आप उस प्रोसेसिंग मशीन तक उस सिग्नल को भेज सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया एनालॉग वॉच। एनालॉग की जो वॉच होती, घड़ी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो वॉच काम करता है वो कैसे काम करता है, सुई जितनी बार 60 बार मिनट और सेकंड वाली सुई घूम के आएगी तब जाके 1 मिनट आगे बढ़ेगा, यानी जो इनपुट हुआ वो हार्ड वायर में हुआ।
या एक और समझना हो तो बाइक का स्पीडोमीटर, बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें कहता है बाइक का पहिया जब नाचता है तब मीटर आगे बढ़ता है। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर के इनपुट है, ठीक है। आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कि 10 मिनट पहले हमारी क्या स्पीड थी, आप नहीं जान सकते। अगर हमारे में, अगर स्कूटर में देखा होगा उसमें, ठीक। लेकिन डिजिटल में क्या है, डिजिटल में केवल दो ही स्टेज होते हैं, 1 0 1 0 1 0, तीसरी कोई स्टेज नहीं होती। इसीलिए डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही है, वो केवल 0 एंड 1 की भाषा जानता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। बहुत लो लेवल लैंग्वेज नाम है, बाइनरी डिजिट नाम है, मशीन लेवल लैंग्वेज नाम है। तो कंप्यूटर के, डिजिटल कंप्यूटर केवल 0 एंड 1 की भाषा जानता, चलो ये पता चला। स्टेज फिक्स होती है, तो उसके फायदे क्या है, डिजिटल सिग्नल को आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक। अब प्रोसेसिंग मशीन तक भेजने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का यूज कर ही सकते हैं, प्लस वेव्स, तरंगों के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सिग्नल को आप एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, इस सिग्नल को आप मॉडिफाई एडिट कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरी आवाज़ है, अगर माइक ना होता तो कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माइक होता तो मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर देते, वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता, फिर चाहे मोटी करो, पतली करो, काटो पीटो, कुछ भी कर सकते हो, समझ गए ना। मतलब डिजिटल, जो डिजिटल सिग्नल होता है वो इसीलिए पॉपुलर है, या डिजिटल कंप्यूटर इसलिए पॉपुलर है क्योंकि आप इसको स्टोर कर सकते हैं, दूर तक पहुँचा सकते हैं, बिना हार्डवेयर के पहुँचा सकते हैं, तरंगों के माध्यम पहुँचा सकते हैं, ठीक। ये सारी मतलब इसमें प्लस पॉइंट, इसलिए क्या हुआ, डिजिटल कंप्यूटर मोर पॉपुलर कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर, ठीक। तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा, आपको इसको नहीं पढ़ना है, आपको किसको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में वो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ना है केवल। चलो हाइब्रिड वहाँ लिखा, हाइब्रिड मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग भी समझ ले और डिजिटल भी समझ ले, या डिजिटल प्रोसेसिंग कर एनालॉग प्रोसेसिंग कर ले, ऐसे कंप्यूटर हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तुम्हारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सॉरी सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या है, हाइब्रिड टाइप कंप्यूटर। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों ही क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालॉग डिजिटल दोनों ही सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो अगर कभी पूछा है कंप्यूटर, खाली पूछा है कितने प्रकार के, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसको नोट कर लेना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और नोट नहीं कर पाते हो तो डोंट वरी, आपको नोट्स भी, जो शॉर्ट नोट्स होती जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था कि सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो पूरा सिलेबस आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन हमारा लिंक होगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट जो परीक्षा में आएगा उसको आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक। और ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, और इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में नोट्स मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी में दोनों नोट्स मिल जाएगी आपको, उससे भी मतलब कि आप 100% क्या वो लेवल क्वालिफाई करेंगे, यही मेरा लक्ष्य है। और आपका भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो लेवल पास करना है, क्योंकि बहुत से लड़के क्या होते हैं, वो लेवल या ट्रिपल सी की वजह से क्वालिफाई कर, एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन उसकी वजह से छट जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सब लोग कंप्यूटर आए और इसको पास करवाएं, वो लेवल को मतलब बड़ा ना बनाएं, हवा ना बनाएं, ठीक। तो ये कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, ये बात हो गई। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की डिफिनेशन की। What is digital computer? Digital computer है क्या? तो digital computer is a electronic machine, ठीक। मैं यहाँ point wise लिख रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो copy में note down कर दीजिए, क्या है, electronic machine, ये heading रहेगी, what is digital computer heading डाल लेना, उसके जो पहला जोड़ा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चलो सबको पता है, कोई बात नहीं।
It is also a data processing system. ठीक है, यहां सिस्टम लिखा है, लिख लेना. यहां आप क्या लिखा है? सिस्टम. यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ साथ एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है. मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डेटा की प्रोसेसिंग करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है. चलो अब बताते हैं डेटा प्रोसेसिंग है क्या, उसको समझाएंगे. तो दूसरी पॉइंट क्या नोट कर लोगे, अ कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम. ठीक. तीसरी बात क्या लोगे, इट टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट डिवाइस प्रोसेस्ड एंड गिव द इंफॉर्मेशन इन आउटपुट डिवाइस. यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट डिवाइस. ये क्या करेगा, कंप्यूटर पहले ऑटोमेटिक मशीन तो है लेकिन बिना यूजर के इंटरफेयर के काम नहीं कर सकता, तो इसलिए यूजर का नाम बीच में, यूजर मतलब हम और आप. तो इट टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट डिवाइस. यानी ये जो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा लेता है किससे, यूजर से. किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ले लिया. फिर उसकी क्या करता है, प्रोसेस्ड यानी उसकी प्रोसेसिंग करता है. डेटा लेने के बाद क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है. एंड गिव द इंफॉर्मेशन, अब प्रोसेसिंग करने के बाद उसका रिजल्ट, उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे. उस इंफॉर्मेशन को कहां दिखाता है, आउटपुट डिवाइस में दिखाने का कार्य करता है. तो सिंपल है, क्यों, हाँ देखो जो मैंने डेटा प्रोसेसिंग बोला वो इसी को रिलेट कर रहा है. क्यों, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा लेता है किससे, यूजर से. किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से. फिर उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट, जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को इंफॉर्मेशन बोलते हैं. उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर के सामने प्रस्तुत करता है. ठीक. तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको. ठीक. चलो एक पॉइंट इसमें और नोट कर लेना, अगर दिख ना रही हो तो मैं यहां लिख दूं, इसी के आगे नोट करना है. इट इज अ स्टोरेज डिवाइस. यानी जो तुम्हारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस भी है. क्यों डिवाइस, क्योंकि इसमें हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं. जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें एक मेमोरी लगी होती है. मेमोरी कई प्रकार के, हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमको केवल डेफिनेशन की बात करनी है. तो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस, उसमें हम डेटा को स्टोर करके भी रखते हैं, वो भी लार्ज अमाउंट में भी डेटा स्टोर करके रखते हैं. क्योंकि जब डेटा देंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, स्टोर होने क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए. तो कहने का मतलब है कंप्यूटर क्या है, स्टोरेज डिवाइस भी है. यानी इसमें डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके भी रखा जा सकता है, रखा जाता है. ठीक. तो डिजिटल कंप्यूटर है क्या, डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इट इज आल्सो अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, जो करता क्या है, डेटा लेता है यूजर से इनपुट डिवाइस के माध्यम, उसकी प्रोसेसिंग करता है. प्रोसेस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को, उस आउटपुट को आउटपुट डिवाइस दिखाता है. और उस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बचा के भी रख सकते हैं सिस्टम के अंदर, इसीलिए इसको स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है. ठीक. तो ये हो गया कि डिजिटल कंप्यूटर है क्या. इसके बाद आपसे पूछा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक, ये नोट कर लेना. अगला जो हेडिंग होगा हमारे इसमें कंप्यूटर अप्रिसिएशन के अंतर्गत, अगला जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. अब जब हम कंप्यूटर, जब यहां लिख रहे समझ जाए डिजिटल की बात हर बार होगी, क्योंकि हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला जो आप लिखोगे वो क्या होगा, स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, बड़े से बड़े नंबर्स को या गणना को वो नैनो सेकंड से भी कम समय में करने की क्षमता रखता है। तो पहला क्या लिखोगे, स्पीड, तो लिख लो कंप्यूटर जो वेरी फास्ट मशीन, ये नोट कर सकते हो। इट कैन डू लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन इन नैनो सेकंड, या नैनो सेकंड में काम कर सकता है, ठीक है। बड़े से बड़े क्या कहते हैं, चित्र को आसानी से सेकंडों में, मिनटों में बना सकता है। यानी कंप्यूटर क्या करता है, हर चीज बहुत ही तेज कार्य गति से करता है। तो पहला क्या होगा, स्पीड। दूसरा क्या होगा, वर्साटाइल। पहला गति, दूसरा बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब कि कई तरह का कार्य, ऐसे तो गणना करने की मशीन बोला जाता है, लेकिन कंप्यूटर कई तरह के कार्य करने की क्षमता रखता है, ठीक। चाहे डिजाइनिंग के फील्ड में ले लो, चाहे मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो वीडियो के फील्ड में ले लो, चाहे गणना के फील्ड में ले लो, चाहे लेटर राइटिंग, ये राइटिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, यानी कंप्यूटर क्या कर सकता है, कई तरह, वर्साटाइल, VERSATILE, ठीक है। ठीक, तो कई तरह, वर्साटाइल मतलब कि बहुत बहुआयामी मतलब कई तरह के कार्य कर सकता है, ठीक है। दूसरा डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, यानी कंप्यूटर में क्या करते हैं, मानव निर्मित दिमाग का थोड़ा स्वरूप होता है बुद्धिमत्ता, मतलब जो जो प्रोग्रामिंग उसके अंदर होगी उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो कार्य करता है। अगर C इक्वल टू ए प्लस बी है, तो जब भी ए प्लस बी देंगे तो हमेशा C का आंसर ए प्लस बी ही आएगा, ठीक। तो डिलीजेंस होता है, ठीक। और क्या लिख सकते हो, डिलीजेंस लिख लो, और एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है, ठीक। कहने मतलब है कि जो यूजर जिस तरह के उसको क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन देगा, उसी तरह से वो काम करता है, एक्यूरेट होता है, ठीक। ये नहीं कि 5 घंटा चला दिए तो वो उसकी एक्यूरेसी डाउन हो गई, ठीक। आप जितनी बार सी में सी इक्वल टू ए प्लस बी, जितनी बार ए और बी में वैल्यू डालोगे उतनी बार सी में ए प्लस बी आएगा, चाहे 1000 बार करो, चाहे लाख लाख बार करो, चाहे 10 करोड़ बार करो, यानी जो रिजल्ट होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, वो हमेशा 100% एक्यूरेट होगा, ठीक। ये नहीं चलते चलते उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, या थक गया तो उल्टा सीधा काम करने लगेगा, ठीक। तो यानी एक्यूरेसी क्या होती है, उसकी बहुत ही फास्ट होती है और 100% होती है, ठीक। और अगला क्या लिखेंगे, एक और जोड़ सकते हो, कभी थकान नहीं होती, कभी थकता नहीं है, ठीक। नो आईक्यू नहीं होता है, मतलब उसके अंदर दिमाग नहीं होता, मतलब अगर उसका आईडी पासवर्ड कोई जान गया तो कोई भी चला सकता है, यानी कि मेरा कंप्यूटर तो मुझे खाली चलेगा, और कोई आएगा तो उसको भगा देगा, इग्नोर कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी इसमें अगला जोड़ सकते हो, नो आईक्यू, कैरेक्टरिस्टिक में आईक्यू उसके अंदर नहीं होता, कभी थकता नहीं है, ठीक। तो ये हो गए हमारे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे कंप्यूटर ओवरव्यू पूछा जाए तो आप पहले कंप्यूटर का डिफिनेशन देंगे और कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, क्या क्या उसके फायदे हैं और कैसे वो काम करता है, यानी उसकी विशेषता एक तरह से आपको बताना है। तो स्पीड होता है, वर्साटाइल होता है, डिलीजेंस होता है, एक्यूरेसी होता है, नो आईक्यू होता है, कभी थकता नहीं है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बढ़िया से समझा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हम लोग क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आपको क्या नोट करना है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक। और जो मैं लिखा रहा हूं ये तो आप समझिएगा, प्लस इसका जो शॉर्ट नोट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, एकदम एक्यूरेट बढ़िया नोट्स आपको रहेगा, जो तो आप आसानी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इसमें क्या होता है, 40 प्लस 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है, वही गेम चेंजर होता है, ठीक।
तो अगर आपने अच्छे से लिख लिया तो 100% से पास हो जाएंगे। अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं अभी 2000 इसमें जनवरी में जिन्होंने एग्जाम दिए, इससे पहले जुलाई में उन्होंने एग्जाम दिया, वो 100% उन्होंने क्या किया, सही करके आया। ठीक, सही करके आया, उन्होंने क्वालिफाई किया। ठीक, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं उनके बारे में, bioinitech.in है, वहाँ पे उनकी उनका सब चीज लिखा है, आप उसको क्रॉस चेक भी किया कर सकते हैं। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, मतलब किसका कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे, इसका मतलब यही होता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहला तो लिख लो एजुकेशन में ही, शिक्षा के क्षेत्र में। आप लोग जानते हैं एजुकेशन में क्या होता है, घर बैठे जैसे आप हमसे अभी इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो एजुकेशन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, कैसे हो रही है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है। ठीक, तो एजुकेशन के फील्ड में कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप IIT IIM नहीं एडमिशन हो पाया, तो आप क्या होता है, आप देखते हैं भारत सरकार के NPTEL पोर्टल है, वहाँ से आप IIT IIM के टीचरों के माध्यम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। बच्चे को डिजिटल क्लास के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। ठीक, पहले सेव बनाते थे आप, क्या सेव को तुरंत लाइव दिखा सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, एजुकेशन के फील्ड में। दूसरा, बैंकिंग, बैंकिंग में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। आप जानते हैं इतने लार्ज अमाउंट में डेटा, सॉरी ट्रांजेक्शन होते हैं, सारा सारा चीज कहाँ होता है, कंप्यूटर में ही होता है। आप देखते हैं कि जितने भी अकाउंट खुले सब ऑनलाइन होते, सारे अकाउंट में ही होता है। ठीक है, यानी कहने मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है, सारी चीज़ें क्या ऑनलाइन हो रही है। ठीक, अभी भीम ऐप होगा, ट्रांजेक्शन होते हैं ऑनलाइन। ठीक, उसके बाद इसके अलावा आप कहाँ, एंटरटेनमेंट में, इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, आप देखते हैं गाना सुनना, यूट्यूब पे वीडियो चलाना, गेम खेलना, ये सारे काम भी हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जानते हैं आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, दवा ऑर्डर कर सकते हैं। आप जैसे डॉक ऐप नाम का एक ऐप है, वेबसाइट है, वहां पे आप क्या डॉक्टर से लाइव बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको कोई टेस्ट कराना है, उसकी रिपोर्ट आप घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, यानी हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट की ई रक्तकोश नाम की एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप क्या कर देख सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप का मतलब ब्लड अवेलेबल है कि नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जगह पे आप घर बैठे जान सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, आपके इंजीनियरिंग में हो गया। ठीक है, इंजीनियरिंग में आप देखते होंगे जितने भी चिप्स होते हैं, जितने भी मोबाइल फोन्स होते हैं, उनकी उनका जो पीवीसी वाला जो नहीं होता प्लेट, उसकी डिजाइनिंग भी कंप्यूटर के माध्यम से होती है। ठीक है, कोई भी गाड़ी लॉन्च हो रही है, उस गाड़ी लॉन्च हो रही है, उसका डिजाइन जो है वो भी वहीं बना, इंजीनियरिंग सेक्टर में। इन सेक्टर में बहुत बड़ा है कैड और कैम, कैड और कैम का फुल फॉर्म लिख लेना। इंजीनियरिंग में कैड और कैम एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, जिसके माध्यम से डिजाइन बनाते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, वो बिल्डिंग का नक्शा, कार का नक्शा, बाइक का नक्शा, ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैड और कैम नामक सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। तो कैड का फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेना, कंप्यूटर, ये कई बार आया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कैम का क्या है, कैम का लिख लेना कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, TURING, मैन्युफैक्चर बनाना, डिजाइन करना, बनाना डिजाइन भी करना प्लस बनाना, रोबोट के माध्यम से बनाना भी, किसके माध्यम, कैड और कैम के माध्यम से होता है। तो इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक, तो अगर आपसे एप्लीकेशन और कंप्यूटर पूछा जाए तो अब ये ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पे रोल है। साइंस, क्या कहते हैं, आप विज्ञान के, साइंस के क्षेत्र में लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप तो सब जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एप्लीकेशन कंप्यूटर में क्या लिखना है, अगर पूछा जाएगा तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, बस भर दो उसको कायदे से, यहाँ यहाँ यूज होता है, ये चीज सरल करता है, यानी फायदे जो होते हैं वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक, तो अगला जो हमारा हेडिंग हुआ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा,
और नहीं समझ में आया है तो नोट्स में इसके बारे में शॉर्ट में लिखा रहेगा, उसके माध्यम से आप पढ़ के अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिख लेना, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने इससे पहले बात की थी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर कैसे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है वो बात देखेंगे। तो यहां पहले मैं बना देता हूं, ये हो गए हम और आप, ठीक। यानी कौन? यूजर। ये कौन हो गया? यूजर हो गया। यूजर ने क्या किया? इनपुट डिवाइस का यूज किया भाई, इनपुट डिवाइस का यूज किया। और उसने डिवाइस का यूज करके किया क्या? उसने डेटा भेजा, ठीक। डेटा कहां भेजा? प्रोसेसिंग होने के लिए। किस जगह पे? सीपीयू में। कहां भेजा? प्रोसेसिंग होने के लिए भेजा कहां भेजा? सीपीयू में। इस डेटा प्रोसेसिंग यहां सीपीयू में हुई। उसका जब वो डेटा निकला तो क्या बन के निकला? इन्फॉर्मेशन। वो डेटा इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर निकला। यानी यूजर ने क्या किया? इनपुट किया डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से, उसकी प्रोसेसिंग हुई। आफ्टर प्रोसेसिंग क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन बाहर आया। अब इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसका यूज करेंगे? आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक। ये क्या हो गया? डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, डीपीएस, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ये है, आप देखते हो कंप्यूटर के लिए इसी तरह काम करता है, कुछ होता नहीं है, बस यही होता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से अलग अलग तरह का डेटा होता है, अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइस होंगे, उनके माध्यम डेटा को अंदर भेजेंगे सीपीयू में, सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा? इन्फॉर्मेशन बाहर आएगा। उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड से हम लोगों ने टाइप किया, उस जब जो चीज टाइप करते वो डेटा हो गया, और डेटा कहाँ गया? सीपीयू गया। उतनी जल्दी प्रोसेस होकर आता है और हमें मॉनिटर पर दिख जाता है, मॉनिटर क्या? आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक। तो ये हो गया। और इसमें जो मेन जो आपको ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान रखना हो, याद करना हो, क्योंकि हर बार ओ लेवल में पूछता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है समझाइए। तो आपको ये बनाना होगा, समझाना होगा, इनपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, सॉरी आउटपुट डिवाइस क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या, आप लिख लीजिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। यानी सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये कई बार आया है, इनमें से कौन, ये उसमें 40 नंबर वाले में, इनमें से कौन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू इज द राइट आंसर। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जहां पे क्या होता है? सारी प्रोसेसिंग, सारी गणनाएं, सब चीजें कहां होती है? सीपीयू में होती है। और सीपीयू ही क्या? कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जहां पे सारी प्रोसेसिंग होती है। इनपुट डिवाइस क्या है? डेटा भेजने के लिए। आउटपुट डिवाइस क्या है? इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को समझाइए, तो आप इसको बना के आसानी से समझा सकते हैं, ठीक। या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बोले तो इसको बना सकते हैं, इसमें ऐड करना होगा, ऐड भी अभी आगे ऐड करेंगे, ऐड करके बना के अच्छे समझा सकते हैं, ठीक। चलो तो सीपीयू हो गया, ये हो गया। अब हमें ये जानना है कि डेटा है क्या, ठीक। आपसे पूछ सकता है डेटा, व्हाट इज डेटा? तो लिख लो, डेटा इज एनी रॉ थिंग। मैं कहीं लिख देता हूं, यही लिख देता हूं डेटा के बारे में। डेटा इज एनी रॉ थिंग्स
which input by user, example में world number etc. ठीक, चलो वहां नहीं दिख रहा, मैं बोल दे रहा हूं, डेटा इज एनी रॉ थिंग, डेटा कुछ भी हो सकता है जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है, वो सारी चीज क्या है, डेटा है। रॉ थिंग मतलब कच्चा माल, ठीक, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 जानता है। तो जब हम ए दाबते हैं कीबोर्ड से, जो ए लिखा था वो असल में ए नहीं रहता, वो 0 और 1 की भाषा में, मशीन लेवल लैंग्वेज की भाषा में होता है, जो हम नहीं समझ सकते। तो जैसे हमने ए दाबा तो वो क्या है, डेटा है, अभी वो ए है नहीं, उसका सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग हुई, अब वो हमारे सामने ए बन के आया, समझ गए ना। तो डेटा इज नथिंग, यानी प्रोसेस होने से पहले जो चीज हम कंप्यूटर को देते हैं वही डेटा है। वो वर्ड भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, वो आईडी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, ठीक। तो एनीथिंग, यानी यहां तक वो क्या है, डेटा है, ठीक। इंफॉर्मेशन क्या है, जब उस डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है और वो हमारे सामने लायक बन जाता है, हम उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उस डेटा को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा, जिस डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। हमें याद रखना, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा, जिस डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक। तो इसी तरह कंप्यूटर काम करता है, डेटा क्या है, तो डेटा आप लिख सकते हैं, डेटा इज एनी रॉ थिंग विच इनपुट बाई यूजर सच एज नंबर, वर्ड, एट द सिंबल, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा विच यूजर अंडरस्टैंड एंड सीन इन अ मॉनिटर और प्रिंटर, यानी इंफॉर्मेशन वो चीज है जिसको यूजर समझ सके, देख सके और प्राप्त कर सके मॉनिटर में या प्रिंटर के माध्यम से, उसको हम लोग क्या इंफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक। तो ये है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक। तो आज हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को लेके आएंगे और कंप्यूटर की एक एक पार्ट को समझेंगे, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, कितने तरह, अभी मना रहा है ना, हर तरह के डेटा के भेजने के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस है, तो अलग अलग इनपुट डिवाइस के बारे में जानना होगा, अलग अलग आउटपुट डिवाइस बारे में जानना होगा। तो ब्लॉक डायग्राम पहले अच्छा से बनाएंगे, उस ब्लॉक डायग्राम को पकड़कर एक एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे दूसरे मॉड्यूल में उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इस मॉड्यूल में पहले तो कंप्यूटर है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इस मॉड्यूल में हमें 2-4 चीज और पढ़नी है, उसको पहले पढ़ लेंगे तब अगले मॉड्यूल में हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, और अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक इसको फैलाइए, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या कंप्यूटर कोर्स नहीं कर सकते या रेगुलर क्लास में नहीं जा सकते हैं, जो हमारे गांव की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं क्योंकि सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है, तो आसानी से वो पढ़ सकते हैं, पास हो सकते हैं, अपने जीवन भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इज अ मस्ट फॉर एनीवन, कंप्यूटर सबके लिए जरूरी है, कंप्यूटर सबको आना चाहिए और इसमें बाइनरी टू प्रयागराज आपकी प्रॉपर हेल्प करेगा। और चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे भी आप हमको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, हम लोग अगले क्लास में इसको फिर मिलेंगे।